पति पत्नी में आपसी मतभेद हो तो क्या करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं जो रोज झगड़ा करते हैं और जिनकी झगड़ा इतना बढ़ जाता है वो तलाक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में लड़ाई ना करें, पति पत्नी आपस में लड़ाई ना करें। हो सके तो आप स्वयं समझदार रहें, झगड़ा करोगे तो उसके बाद वो झगड़े बढ़ जाता है, फिर एक दिन तलाक तक ये बात पहुंच जाता है। इसलिए झगड़ा ही ना करो, एक दूसरे को समझ करके रहो तो बहुत अच्छा है। अगर आप भी पति पत्नी में रोज़ लड़ाई हो रहा है, पत्नी की बात पति नहीं समझता, पति की बात पत्नी नहीं समझती, तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिसको आप करते हैं तो पति पत्नी में जो आपसी मतभेद है, आपसी जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएगा। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, जितनी माताएं बैठी, जितने बाबा लोग सुन रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यदि घर में पत्नी की वजह से झगड़े होते हैं, पत्नी की वजह से गृह क्लेश हो जाता है, तो पति को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पत्नी की वजह से अगर लड़ाइयाँ होते हैं, गृह क्लेश रहता है, तो व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से घर की स्थितियाँ सामान्य होती जाएगी, तो ये काम आप जरूर करिएगा। दूसरे नंबर में, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होते हैं तो रोज़ स्नान के बाद में, स्नान करने नहाने के बाद में आप अपने पूजा स्थल में श्वेतार्क गणपति की पूजा करके, श्वेतार्क गणपति भगवान की पूजन करके उन्हें मोतीचूर का लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उस लड्डू को प्रसाद के रूप में घर में जितने भी सदस्य हैं सबको प्रदान करें और वो प्रसाद घर के हर सदस्य ग्रहण करें। ऐसा करने से पति पत्नी में जो लड़ाई होती है वो कम होती जाएगी। तीसरे नंबर में, यदि आपके घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, लड़ाई ख़त्म हो ही नहीं रहा, हर रोज़ झगड़ा होता है, तो हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। पति पत्नी मिलकर के करिएगा, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर टाइम निकाल लीजिएगा। मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ अगर आप करते हैं तो घर में प्रेम का भावना उत्पन्न हो जाएगा, आपसी प्रेम बढ़ जाएगा, आपसी मतभेद खत्म हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड पाठ करोगे तो घर में हर चीज़ सुंदर ही सुंदर होगा, तो ये काम को आप जरूर करिएगा। चौथे नंबर में, महामृत्युंजय का पाठ अगर आपके घर में होता है, महामृत्युंजय जाप होता है, तो ये तो अचूक औषधि समान काम करेगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये भी करने की कोशिश करिए। पांचवें नंबर में, आप अपने घर के दरवाजे पर संध्या समय में कभी भी अंधेरा मत करिए। अपने दरवाजे पर संध्या के काल में, संध्या समय में दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। घर में हमेशा अच्छा होने के लिए, सुख शांति के लिए घर के दरवाजे पर गोबर से लेपन करिए। पहले पहले के लोग अपने घर में गोबर से लेपन करते थे और वो लोग कभी बीमारी भी नहीं होता था, उनके घर में बीमारियां नहीं आती थी, वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते। इसलिए गोबर से लेपन करिए, घी के दीपक जलाइए, स्वस्तिक चिन्ह अपने घर के दरवाजे पर जरूर बनाइए। ऐसा करोगे तो पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी, गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।